हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान अकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी रेलवे की मैथ क्लास को देख रहे थे, लेकिन हम लोग अब स्टार्ट किए हैं वीडियो की, जो कि हमारा यूपी रेलवे का जो सिलेबस है उसमें कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ना है। साथ में वीडियो की भी हमारे एग्जाम डेट आ गई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये किया कि हम लोगों ने ये किया है कि इसके भी क्लासेस हमारी स्टार्ट किया जाए, और जब भी हमारी प्रैक्टिस सेट हो तो टू द टॉपिक वाइज हम लोग उसको कम्प्लीट करें। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग देखेंगे कैलेंडर। इसकी एक टॉपिक दोस्तों पिछली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है कैलेंडर की, उस पर जो भी टाइप था इंपॉर्टेंट उसको हमने देख लिए थे। आज उसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है उसको हमने देखेंगे और हमारा कैलेंडर की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक वास्तविक दिन और एक होता है काल्पनिक दिन। काल्पनिक दिन क्वेश्चन में दिया रहेगा, और पहले हम क्या करेंगे, उसका वास्तविक दिन ज्ञात करेंगे। जो वास्तविक दिन है, अब उसके ही अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, कितने का अंतर होगा या फिर कितना जोड़ा जाएगा, उसके ही अकॉर्डिंग सेट करके हम आंसर ज्ञात करते हैं। वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए हमने दोस्तों एक ट्रिक बताई थी, 144, 025, 036 और 146, जिसमें एक अगर जनवरी आता है तो 1 फरवरी के लिए, 2 मार्च के लिए, 4 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी के आधार पर दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, और 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा? ये दोस्तों कौन सा दिन दिया हुआ है, ये काल्पनिक दिन दिया हुआ है, वास्तविक दिन नहीं। पहले हम वास्तविक दिन ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 काल्पनिक दिन इसका है, शनिवार। पहले ज्ञात करते हैं इसका वास्तविक दिन। तो वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कैसे सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त के लिए हो जाएगा 3। अभी हमने जो ट्रिक देखा था, कौन सी ट्रिक थी हमारी, 144, 025, 036 और 146। तो अगस्त के लिए हो जाएगा 3, उसके बाद हमारा होगा 47। 47 के बाद लीप ईयर इसमें कितने हो गए, 4 एक 4, 4 एक 4 और 1900। हम दोस्तों ये किया था हमने दशक अगर निकालने के लिए, सेंचुरी निकालने के लिए कितने से भाग करते थे, 400 से। अगर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 300, सब देख लेते हैं। 100 के लिए क्या होगा, 200 के लिए, 300 के लिए और 0 के लिए। अगर हमारा रिमाइंडर 100 आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4। 200 आ रहा है तो 2, 300 आ रहा है तो 0, और अगर 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, 6। इट मीन्स ये होगा कि अगर हमारा सेल्सफल 0, सेल्सफल पर डिपेंड कर रहा दोस्तों, सेल्सफल अगर 0 आ रहा तो वहां पे कितना जोड़ेंगे, 6। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा सेल्सफल, 300 आएगा, तो 300 आएगा तो हम कितना लेंगे, वहां पर 0 को ऐड करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। अब आप इसको सभी को जोड़ करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 × 2 = 14, 1 बचेगा, 7 × 6 = 42, 5 बचेगा, और 7 × 1 = 7, 4। तो 4 और 3 कट गया, 5 और 6। छठवां दिन दोस्तों हमारा क्या होगा, शुक्रवार। अब छठवां दिन कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया संडे, संडे पहला दिन, पहला दिन हमारा क्या होगा, संडे। दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन होगा वेडनेसडे, और पांचवां दिन होगा थर्सडे, छठवां दिन होगा फ्राइडे, सातवां दिन या फिर हमारा 0 अगर आता है तब हमारा आंसर होगा क्या होगा, सैटरडे। इसके आधार पर हमारा आंसर क्या होगा, 6 आ रहा है तो 6 हमारा क्या होगा, शुक्रवार। दोस्तों ये हमें मालूम हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं इसमें दोनों में अंतर कितने का है, +1। मीन्स वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन का अंतर करेंगे, वास्तविक हमारा है शुक्रवार और ये हमारा शनिवार, तो +1 करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं आगे,
आगे दिया 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा? जुलाई 2016 को। पहले इसका ज्ञात करेंगे वास्तविक दिन, तो वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 17 जुलाई मतलब 0, 16, 4 चौके 16, और 2000 में ये क्या हो जाएगा, 6। 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 2, 4, 6 4 10, 3 बचेगा, 3 3 6 2 8, मैं मतलब एक दिन। पहला दिन हमारा कौन सा होता है, सोमवार। ये हमें मालूम हो गया, सॉरी पहला दिन हमारा कौन सा होता है, रविवार, क्योंकि संडे से स्टार्ट हो, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर हमारा पहला दिन आ रहा है रविवार, अभी ऊपर क्वेश्चन में क्या है, शुक्रवार शनिवार कितना होता है, +1, +1 करेंगे, तो रविवार के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें वास्तविक दिन ही, वास्तविक दिन निकाल करके हम काल्पनिक दिन बताएंगे, और काल्पनिक दिन हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 1985 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 13 जनवरी 1985 को मंगलवार था, ये काल्पनिक दिन है, इसका पहले वास्तविक निकालेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले ज्ञात करते हैं, 144 के लिए 4, ये हो जाएगा 85, 4 दूनी 8, 4 एके 4, और 1900 के लिए हो जाएगा 0। 7 से करेंगे, 7 एके 7, 6 बचेगा, 7 एके 7, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एके 21, 6 1 7, 7वां दिन हमारा क्या होता है, शनिवार। सात एक सात छः, 7 1 7 2 14, 7 1 7, 1 बचेगा, 7 1 21, 0 हो गया, 6 1 7, 7वां दिन हमारा क्या कहलाएगा, शनिवार कहलाएगा। अब इसमें अंतर कितने का है देखते हैं, शनिवार के बाद आएगा सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे, +3। आगे है, 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च 2012 को। अब देखिए 144 हम लोग देखे थे, तो करेंगे 15 144 के लिए 4, 12, 4 3 12, और 2000 के लिए हो जाएगा 6। 7 से भाग करेंगे, 7 2 14, 1 बचेगा, 4 3 7, ये कट गया, 6 1 7, ये कट गया, और ये बचेगा 5। तो 5वां दिन हमारा होता है थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, अब बृहस्पतिवार में 3 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 दिन प्लस करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो संडे हमारा आंसर होगा, संडे जबकि ऑप्शन में है नहीं। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से, 15 मार्च 2012 को, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 4 3 7, ये कट गया, 4 3 12, ठीक है 2012 ही है ना, 4 1 4 2 4, 7 दूनी 14, 1, 4 3 7, ये कट गया, 7 कट गया, 7 7, 5। 5वां दिन हमारा होता है बृहस्पतिवार। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 13 जनवरी 1985 जनवरी के लिए 1, और 85, और 7 1 7, 4 1 4, 21 हो जाएगा, और 19 के लिए 0। 7 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6, 6 1 7, 7 1 21, और 7 1 7, 7 2 14, 1 दिन। तो पहला दिन हमारा इसमें एक ही आ रहा है ना, तो यहां पर हमारा होगा, ये मंगलवार दिया है, पहला दिन हमारा क्या होगा, रविवार। अंतर कितने का आ रहा है, रविवार +2, +2 का अंतर आ रहा है, यहां पर इतना अंतर नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, 15 मार्च 2012 को पूछा हुआ कौन सा दिन होगा, तो 15 मार्च के लिए 144, तो 144 वाला 4 हो जाएगा, और 12 है तो ये 12 हो जाएगा, और उसके बाद 4 3 12, और 2000 के लिए 6, ठीक है। हाँ,
सात से भाग कर देंगे तो 7 × 2 = 14 एक बचेगा, 4 और 3 7 कट गया, ये भी कट गया, 5 पांचवा दिन हमारा होता है गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार कहते हैं, इसमें +2 करेंगे तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, सैटरडे क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 6 जुलाई 1552 को गुरुवार था, 6 जुलाई 1552 को गुरुवार था तो 7 नवंबर 1947 को कौन सा दिन था। चलिए इसको देखेंगे क्या क्या है, तो 6 जुलाई 1952 6 जुलाई 1542 सॉरी कौन सा दिन था गुरुवार। तो पहले इसका वास्तविक दिन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 6 जुलाई के लिए हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 4 × 10 = 40 और 1503 हो जाएगा, 3 के लिए रिमाइंडर क्या होगा 0, 300 के लिए 0 हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 7, 7 × 42 7 × 7 = 3 बचेगा, 6 × 3 = 9 7 × 7 = 2 बचेगा, तो 2 रिमाइंडर हमारा हो रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा, 2 दिन सोमवार और मंगल, रविवार और सोमवार। सोमवार है, मंगल बुध बृहस्पति, +3 यहाँ पे हो रहा है। अब आगे करते हैं 7 नवंबर 1947, 7 नवंबर के लिए 146 होता है तो क्या लेंगे 4 हो जाएगा, 47 हो गया यहाँ पर और ये हो जाएगा 4 × 10 = 40, 4 × 4 = 4 और 4 × 4 1900 के लिए 0, 7 से भाग करेंगे 7 कट गया और 11 × 4 = 15 एक बचेगा, 1 × 7 = 42 5 और 1 = 6 छठवा दिन हमारा कौन सा होगा, छठवा दिन दोस्तों हमारा होता है शुक्रवार। शुक्रवार में 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा सोमवार आंसर आ जाएगा, सैटरडे संडे मंडे, तो हमारा सोमवार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है शंकर विजय से, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है और विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो विजय का जन्म किस दिन हुआ था। चलिए इसको अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। तो शंकर हैं ये, शंकर विजय और विमला दोनों में अंतर क्या क्या है, शंकर विजय से 315, शंकर जो है विजय से 315 दिन बड़े हैं और विमला शंकर से 70 सप्ताह, विमला जो है शंकर से, विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, मतलब ये इनसे बड़ी है। चलो इधर से देख लेते हैं, ये इनसे बड़ी है जबकि ये इनसे बड़े हैं। यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ था, कब हुआ था, बुधवार को, तो विजय का जन्म किस दिन हुआ था। अब विजय का पूछा हुआ किस दिन, इसको याद करते हैं, पहले इसको 7 से भाग करेंगे, यहां पर नहीं, 70 × 7 = 0 रिमाइंडर होगा हमारा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये बुधवार को होंगे, अगर हमारा रिमाइंडर जितना बचेगा उसके ही अकॉर्डिंग प्लस माइनस आगे पीछे करके दिन को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ये हो गए बुधवार को। अब 315 को भाग करते हैं 7 से, रिमाइंडर कितना, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 3 × 7 = 25, 0 हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये भी बुधवार को ही पैदा हुए हैं, मतलब विजय का जन्म किस दिन हुआ था तो बुधवार, तो सबका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बुधवार को सभी लोग पैदा हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है, यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ तो रवि और महेश का जन्म किस दिन हुआ था। चलिए पहले है रवि, आगे है सुरेश और उसके बाद है महेश,
रवि सुरेश से, रवि जो है सुरेश से 179 दिन बड़े हैं, जबकि सुरेश सुरेश जो है महेश से, ये दोनों लोग में है अभी लोग की बात चल रही, 201 दिन बड़े हैं। ठीक है, यदि सुरेश का जन्म, एक लोग का दिया सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, तो रवि और महेश का जन्म किस दिन होगा? रवि और महेश, ये दोनों का पूछा हुआ है। पहले हम ये दोनों को निकाल लेते हैं। तो 179 को 7 से भाग देंगे, 7 × 2 = 14, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, 4 हमारा शेषफल। अब देखिए इधर पहले जा रहे हैं, पास्ट में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 दिन इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। अब आगे, अब देखिए ये बड़े हैं तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस, फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस में, और पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब 201 का भाग देंगे 7 से, 7 × 2 = 14, 6 बजे, 7 × 56, 5 दिन। अब इसमें सोमवार में 5 दिन अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा शनिवार। चेक करते हैं, सोमवार, मंगल, बृहस्पति, गुरु, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5 दिन हमारा, 5 दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, क्या क्या पूछा है, रवि और महेश का, तो रवि का जन्म किस दिन हुआ है, बृहस्पतिवार को, महेश का हुआ है शनिवार को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 × 56, 5। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़े, यदि कमला का जन्म बुधवार को हो तो राजन का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए अब इसको भी देखेंगे, सुरेश हैं, राजेंद्र हैं और उसके बाद है कमला। सुरेश जो है राजन से 314 दिन बड़े हैं और कमला सुरेश से, कमला जो है सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, मतलब ये है इनसे बड़ी है 70 सप्ताह। आगे क्या कह रहा, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था, अब देखिए बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था, अब राजेंद्र का पूछ लिया है, राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? अब देखिए 70 है, 70 सप्ताह बढ़ी है, तो अगर 7 से भाग करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 0, इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश भी बुधवार को ही पैदा हुए। यहां था तो समझ में आया। अब इसको करते हैं, 314 को भाग करते हैं, कितने से भाग करेंगे, 7 से, तो 7 × 28, 3 बचेगा, 34, 7 × 28, 6, इसमें 6 दिन अगर हम ऐड कर देंगे, 7 × 28, 3 बचेगा, 7 × 28, 6, 6 दिन इसमें ऐड कर देंगे तो क्या है, बुधवार, बुध के बाद क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, हरि को याद है, चलिए दोस्तों अब अगला टाइप देख रहे हैं, इसका अगला टाइप क्या है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में हुआ था, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है, उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सभी दिन को लिखेंगे, जो दोनों में संख्या कॉमन होगी, जो भी दिन कॉमन होंगे वही उसका आंसर होगा। चलिए पहले क्या कह रहे हैं, 13 और 16 के बीच, इसका मतलब 13 को भी नहीं पड़ेगा और 16 को भी नहीं, तो कौन दिन पड़ सकता है, 14 को और 15 को पड़ सकता है, ये किसको याद है, हरि को याद है, जबकि उसकी बहन को क्या याद है कि 14 और 18 के बीच में, 14 को भी नहीं पड़ेगा ना ही 18 को, तो कौन नहीं पढ़ सकता है, 15 को पढ़ सकता है, 16 को पढ़ सकता है और 17 को पढ़ सकता है, ये जून में हो गया। अब देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा, तो यहाँ पे 15 दोनों में कॉमन है तो यही आंसर हो जाएगा, 15 जून को उनका जन्मदिन है, तो 15 जून हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विजय को याद है, विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 जनवरी के बीच में है, विजय के पुत्र का जन्मदिन जनवरी माह के किस तिथि को है? अब देखते हैं 25 और 30 के बीच तो होगा 26 को, हो सकता है 27 को, 28 को या फिर 29 को।
अब उनकी पत्नी को याद है या फिर 23 को, 24 को, 25 को या फिर 26 को, यही है। अब देखते हैं इसमें कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है। हमारा नंबर कॉमन होगा 26। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी को उनके पुत्र का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अगला टाइप, देखते हैं चेंज इन डेट। अगर हमारा डेट चेंज होती है तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 अप्रैल 2009 को सोमवार हो, 3 अप्रैल 2009 को सोमवार हो तो 29 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, दिन को माइनस कर लेंगे तो यह जाएगा 29 माइनस 3 बराबर 26, भाग करेंगे तो 7 3 21, 5, 5 दिन आ रहा है हमारा रिमाइंडर। इसमें 5 दिन ऐड कर देंगे, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैटरडे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 जून 2010 को शनिवार हो तो 1 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। अब जून है, अब पहले का पूछ रहा है तो 25 माइनस 1 बराबर 24, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 3, 3 दिन। अब ये ज्यादा बता के पहले का पूछा, माइनस कर देंगे, शनिवार में 3 दिन माइनस करेंगे, शुक्रवार, बृहस्पतिवार या फिर बुधवार। इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेंज इन डेट ऑफ मंथ। अब देखिए महीना अगर चेंज हो रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यदि 12 अगस्त 2006 को मंगलवार हो तो 22 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। चलिए 12 अगस्त और 22 अक्टूबर। अब हम लोग जानते हैं कि अगस्त जो है वो 31 का महीना होता है, तो 31 माइनस 12 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 19 दिन। ये तो हमें मालूम हो गया अगस्त का। अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर होता है 30 का, तो 7 6 28 कितना दिन बचेगा, 2 दिन, 2 दिन बच जाएगा इसमें। उसके बाद अक्टूबर पूरा पूरा है भाई, 22 तारीख, 22 दिन है अक्टूबर का। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे आसानी से, 7 से भाग करते हैं तो 7 3 21, 1 बचेगा, 7 2 14, 14 5 19, 5 2 7 ये भी कट जाएगा, बचेगा 1 दिन। मंगल के बाद अगला दिन कौन होगा, बुधवार। बुधवार हमारा ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 18 सितंबर 2010 को शनिवार हो तो 14 फरवरी 2010 को कौन सा दिन था। अब देखिए आगे कुछ के पहले जा रहा है, अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, जनवरी का पहले पहले निकालेंगे, फरवरी का निकालेंगे, अब फरवरी से उल्टा कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो फरवरी 28 की होती है क्योंकि लीप ईयर नहीं है, 28 माइनस 14 बराबर 14 दिन हो गया ये फरवरी का। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च होता है 31 का, 7 6 28, उसमें 3 दिन बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 2 दिन, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पूरा 18 दिन, ये हो गया हमारा सितंबर तक का। ठीक है, हमने कैसे कैसे निकालना है, पूरे महीने निकलते हैं, 30 का 31 का महीना हो तो 7 से भाग करेंगे, जितना बचेगा हमारा शेषफल उसी को हमने लिख दिया है। अगर 30 का है तो 7 6 28 2 दिन बचेगा, 31 का है तो 3 बचेगा और बाकी पूरा पूरा है। अब इसको 7 से काटते हैं, 7 2 14, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 14 प्लस 3 2 3 2 3 3 और 18, भाग करते हैं 7 से, 7 से ये कट गया, 3 3 6 6 2 8 एक बचेगा, 3 3 6 1 7 कट गया, 7 2 14 4 4 और 2 6, 6 दिन इसमें ऐड करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो शनिवार है तो शनिवार से 6 दिन पहले आएंगे तो हमारा हो जाएगा रविवार, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यही ध्यान देना है कि पहले पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, बाद का पूछ रहा है तो प्लस करेंगे, पहले पूछ रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे। यदि 17 जुलाई 2005 को शुक्रवार हो तो 24 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। चलिए अभी इसको भी देखेंगे, जुलाई है और नवंबर है, जुलाई होते ही हमारे 31 की, तो 31 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 14 दिन,
ये होगा जुलाई, अगस्त का 3, सितंबर होगा 2, अक्टूबर हो जाएगा 3, नवंबर का लेते हैं 24, काट लेते हैं 7 से, 3 दिन यहाँ बचेगा, 3 3 6 2 8, एक बचेगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, 4 दिन, 4 दिन ऐड कर देंगे तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा हमारा आंसर मंगलवार, ऑप्शन डी हमारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला टाइप है हमारा चेंज इन ईयर, हमने देखा डे का, देखा मंथ का दिया और ईयर का। दोस्तों कल इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पीसीएस 2023 के एग्जाम में आए हुए थे, चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 15 अगस्त 1947 को मंगलवार हो तो 15 अगस्त, लेकिन उसमें डेट अलग थी, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन, वो ईयर से रिलेटेड ही था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को मंगलवार हो तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, पहले क्या करेंगे हम ईयर का अंतर निकालेंगे, 2010 1947, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 63 हो गया, ठीक है। पहला काम देखिए 63 प्लस, अब जो हमारा ईयर है इसके बाद का हमारा लीप ईयर कौन सा होगा, तो 2010 का जो लीप ईयर होगा वो हमारा होगा 2012, 1947 का जो हो जाएगा 1948। अब इसका अंतर निकालते हैं, तो ये अंतर होगा 12 में से 8 गया 4, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 0, 64 आया, इसको भाग करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 6 24, इसको लाएंगे यहाँ पर, इसको पूरा जोड़ करके 7 से भाग देंगे, तो 7 9 63, ये 0 हो जाएगा, 7 2 14, 2 हमारा शेषफल बच रहा है, तो 2 दिन इसमें हम ऐड करेंगे, तो ट्यूजडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, गुरुवार उस दिन पड़ेगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की जो कैलेंडर की टॉपिक थी वो कम्प्लीट होती है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।